जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, रविवार का दिन 21 नवंबर सिद्ध योग रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:36 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा। सिद्ध योग में सुबह 7:36 तक आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होगा, लेकिन 7:36 के बाद मंगल राहु बुध के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। शनि की छाया होगी, शुक्र चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि होगी। आज दिन बड़ा सौभाग्यशाली है, आप भाग्यशाली हैं। आज मंगल राहु बुध के प्रभाव से शुक्र चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि से सिद्धि योग में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सौभाग्यशाली योग आपके जीवन को सुंदर और आपको भाग्यशाली बना रहा है। तुला राशि वालों, ऐसा इसलिए कि सिद्ध योग में ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर को 11:19 पर और 21 नवंबर की सुबह 4:37 पर बुध का राशि परिवर्तन। आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति जो इस समय सुख स्थान में एक साथ गोचर कर रहे हैं, शनि और बृहस्पति की युक्ति भंग होने वाली है। शनि तो सुख स्थान में होगा, लेकिन बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेगा। वही 21 नवंबर की सुबह 4:37 पर मंगल और बुध का गोचर जो आपके लग्न पर हो रहा था, अब बुध धन भाव में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेगा। आपके लग्न में मंगल का गोचर होगा और भाग्य स्थान में चंद्रमा का उदय होगा। 9:10 पर चंद्रमा भाग्य स्थान में आज उदय करेगा। यानी आपकी कुंडली को देखें तो सिद्ध योग बड़ा फलदायी है। सिद्ध योग में आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो या ना मानो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के जीवन में बड़े परिवर्तन का योग है। तुला राशि वालों, अभी आप किस चीज से ज्यादा परेशान हैं? क्या अपनी नौकरी से परेशान हैं, या अपने बिजनेस में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर पढ़ाई लिखाई के मामले में आप पीछे छूट रहे हैं? कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में अवश्य होगी, पर अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन और बुध का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से आपके जीवन को बदलेगा और इस बदलाव को आप महसूस भी करेंगे। आप महसूस करेंगे कि जब बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होगा, परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। जब बृहस्पति का गोचर पंचम होगा तो आपके परिवार में उम्मीद की एक किरण जागेगी, आपके जीवन में खुशियां बढ़ेगा और परिवार में सुख शांति आप महसूस करेंगे। वहीं बुध जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, जब राशि परिवर्तन करके धन स्थान में सूर्य के साथ गोचर करेगा तो बुध आपके जीवन में धन लाभ का योग बनाएगा, क्योंकि शुक्र जो आपके लग्न का स्वामी है इस समय आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान का स्वामी बुध जो धन स्थान में बैठा है और लाभ स्थान का स्वामी सूर्य बुध के साथ धन स्थान में बैठा है, धन के मामले में आप बड़ा भाग्यशाली होने वाले हैं। अपने कर्मों से धन कमाएंगे, अपने साहस से समृद्धि और सुख पाएंगे, अपने जीवन में शुभ काम करेंगे और अपने जीवन में सुखों का भोग करेंगे। ऐसा परिवर्तन आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है।
इस समय आपकी कुंडली को देखकर ऐसा लग रहा है मानो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने का सही समय आ गया है, अपने जीवन में सुख पाने का उत्तम समय आ गया है और सुखों का भोग आपके भाग्य को और भी प्रबल बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठेगा जो कर्म स्थान का स्वामी है। लाभ स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में गोचर कर रहा है। बृहस्पति जो पराक्रम स्थान का स्वामी है आज पंचम में बैठा है, तो सुख स्थान का स्वामी सूर्य आपको अपने साहस और हिम्मत को बढ़ाने का हौसला दे रहा है। हर परिस्थिति में अपने जीवन में उन्नति का योग, तरक्की का योग, सुख का योग, समृद्धि का योग, अपने संकल्प शक्ति से जीवन के हर कदम पर एक उपलब्धि प्राप्त करने का योग। तुला राशि वालों, जब ऐसा योग बनता है तो आपके सपने साकार होने लगते हैं। जब ऐसा योग बनता है तो एक नई शुरुआत आपके जीवन में आती है, अच्छे परिणाम मिलते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुला राशि वालों के लिए यह समय जीवन में उत्साह और उमंग को बढ़ाने वाला समय है। यह समय आपको आगे बढ़ाएगा। अब देखना यह है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने जीवन में आप कितना परिश्रम कर पाते हैं और अपने जीवन में सुखों का भोग किस तरह से आप करते हैं, सब कुछ आप पर निर्भर होगा। अगर आप सच में योद्धा हैं, अगर सच में आप में पुरुषार्थ करने की ताकत है और सच में आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आने वाले 12 साल में दोबारा नहीं मिलेगा। आज जो ग्रहों की स्थिति है, आज से ठीक 12 साल के बाद ऐसा योग आपकी कुंडली में बनेगा। तो 12 साल बाद क्यों, आज क्यों नहीं, अपने जीवन में सुख प्राप्त करने का सुंदर अवसर क्यों जाने दें, क्यों ना मेहनत से हम काम करें और अपने जीवन में उन्नति, तरक्की और सुखों का भोग करें। तुला राशि वालों, आप बहुत भावुक होते हैं, किसी के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं, तुरंत ही किसी को अपना दिल भी दे बैठते हैं और किसी से आपको प्यार भी हो जाता है। आप अपने दिमाग से कम काम करते हैं और अपने दिल की बात ज्यादा सुनते हैं, इसलिए कभी कभी आपके जीवन में लाभ कम मिलता है। तो इन आदतों को छोड़कर अपने में बदलाव लाएं। समय शुभ है, समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आप पर मेहरबान है, तो ऐसे समय को हाथ से न जाने दें। अपने जीवन में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, अपने जीवन में कड़ी मेहनत करें, धन संपत्ति कमाएं, भाग्यशाली बने। समय बेहतर है, दिन शुभ है, आपके जीवन में खुशियों का, आपके जीवन में उत्साह उमंग का अनेकों अवसर मिलेंगे। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे भाग्य उतना ही आपका साथ देगा, क्योंकि आपके घर पे, आपके घर के दरवाजे पर खुशियां आपकी इंतजार कर रही है। सफलता आपको बुलंदी पर पहुंचा रहा है, तो अपने हिम्मत को बनाकर रखें, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें, परिश्रम करें, साहस दिखाएं और अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। तुला राशि वालों के लिए यह समय भाग्य को चमकाने वाला उत्तम समय है। तो विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 21 नवंबर रविवार का दिन है, मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, सिद्ध योग रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:36 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा। यानी आज मंगल राहु बुध का प्रभाव, शनि की छाया, शुक्र चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, कामयाबी देगा, मेहनत रंग लाएगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे और जीवन की कठिनाइयां समाप्त होगी।
एक नई शुरुआत जो अच्छे परिणाम आपके जीवन में देगा, मनचाही सफलता देगा, जीवन की रुकावटों को दूर करेगा। तो आप प्रयास करें, मेहनत करें, आपके जीवन में बड़ा लाभ का योग है, सुख धन का सुंदर योग है, संपत्ति उन्नति समृद्धि धन भाग्य का साथ। ये समय आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। उसमें बृहस्पति बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन को महत्वाकांक्षी और आपको स्वाभिमानी बना रहा है। तुला राशि वालों, दिन की शुरुआत सुबह 5:01 से 5:55 का समय ब्रह्म मुहूर्त में आज रोहिणी नक्षत्र होगा और शुक्र चंद्रमा के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। मन में थोड़ी चंचलता होगी पर अपने लक्ष्य के प्रति आप गंभीर होंगे। एक उत्साह उमंग संकल्प शक्ति जो आपको आगे ले जाएगा, सार्थक प्रयास जो सफल बनाएगा, आप तेजी से उन्नति और समृद्धि के तरफ आगे बढ़ेंगे। द्विपुष्कर योग सुबह 7:36 से आरंभ होगा जो शाम 7:47 तक रहेगा। उस समय मृगशिरा नक्षत्र का उदय होगा। बुध राहु मंगल के प्रभाव से आप प्रभावित हो जाएंगे। बुध जो धन में बैठा है, राहु जो अष्टम भाव में है, मंगल जो लग्न में बैठा है, शुक्र चंद्रमा बृहस्पति जिसकी दृष्टि है, आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा, हिम्मत और साहस लेकर आएगा, जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे और अपने मनोरथ की पूर्ति करेंगे। लोकप्रियता मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी, समृद्धि सौभाग्य से जीवन सुंदर और आप भाग्यशाली बनेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:28 अभिजीत मुहूर्त में सफलता का योग है, कामयाबी का योग है, सुख का योग है, धन। तुला राशि वालों, विजय मुहूर्त 1:53 से 2:35 का समय। विजय मुहूर्त में आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, आपका हिम्मत आपका साहस आपको आगे बढ़ाएगा। सुख धन लाभ समृद्धि उन्नति से आपके जीवन में खुशियां बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। आपके जीवन में ये जो समय है बड़ा शुभ है, जो आपके सपनों को साकार करेगा, आपके जीवन में लाभ और धन को बढ़ाएगा। तुला राशि वालों, रात्रि 11:40 से 12:34 का समय। ये समय शुक्र चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि, प्यार और प्यार का इजहार, प्यार का सुख, स्त्री का भोग, शुभ संदेश, उत्साह उमंग और नए अवसर को लेकर आएगा, खुशियों को बढ़ाएगा, समृद्धि सौभाग्य से आज का दिन सुंदर और आप भाग्यशाली बनेंगे। आज मंगल राहु बुध का प्रभाव है, सिद्ध योग है, द्वितीय तिथि रविवार का दिन है। दिन की शुरुआत पश्चिम दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 8 होगा। तो तुला राशि वालों के लिए आज सिद्ध योग, बड़े परिवर्तन और लाभ का सुंदर योग बना रहा है, जो आपके जीवन में उन्नति तरक्की देगा। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, पढ़ाई लिखाई में आप अव्वल रहेंगे, सुख संपत्ति का भोग करेंगे, स्त्री और धन का सुख मिलेगा, सफलता कामयाबी आपके जीवन में ऐसे योग हैं जो आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। आज का राहु काल जो शाम 4:06 से 5:25 का होगा, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। तुला राशि वालों, आज का दिन सुंदर है, ऐसे समय में अपने कर्म से अपने भाग्य को चमका लें, ऐसे समय में अपने जीवन में खुशियों और समृद्धि का सुख ले लें, आपके लिए बड़ा सुंदर योग है। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, शुभ मुहूर्त में काम करें, बड़ा फलदायी दिन है, शुभ फल की प्राप्ति होगी, तरक्की उन्नति से भाग्य चमकेगा, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।